Hello, good morning ma'am. My name is Simran. I am from Lalbagh Girls Inter College. I study in class 12A. This is my education assignment given by Pandey ma'am. My topic is Gurukul Method. Gurukul Paddhati. जिस प्रकार वर्तमान युग में छात्र विद्यालयों में स्थित छात्रवासों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार गुरुकुल में रहकर ही छात्र अध्ययन किया करते थे। गुरुकुल कोई भी योग्य विद्वान या गुरु या शिक्षक अपना एक शिक्षा आश्रम स्थापित कर लेते थे तथा उसे संबंधित गुरु के गुरुकुल के नाम से जाना जाता था। वैदिक कालीन भारतीय शिक्षण संस्थाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय शिक्षण संस्था गुरुकुल के नाम से जानी जाती है। गुरुकुल ग्राम एवं नगर के कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर शांत वातावरण में होते थे। इस प्रकार गुरुकुल एक शिक्षण वाली शिक्षण संस्थाएं होती थीं। गुरुकुल में गुरु की योग्यता के अनुसार विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। गुरुकुल में गुरुओं की सेवा करते हुए छात्र शिक्षा तो प्राप्त करते ही थे, साथ ही गुरु के गृहस्थ संबंधी कार्यों में भी हाथ बटाते थे। गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्व का निर्वाह करना भी सीख जाते थे। गुरुकुल में गुरु एवं शिष्य के संबंध पारस्परिक स्नेह, सम्मान, विश्वास तथा कर्तव्य की भावना पर आधारित होते थे। गुरु की सेवा करना ही छात्र का प्रथम धर्म होता था। थैंक यू।